हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने शो में, जहां पर आपको मिलता है ढेर सारा नॉलेज, अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और सबसे खास बात तो यह है कि यहां आपको मिलती है उम्मीद। उम्मीद यानी कि होप। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। वेल दोस्तों, जब कैंसर किसी को हो जाता है तो वाकई में हिम्मत टूट जाती है, लेकिन अब उस हिम्मत को जोड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि जिंदगी की ओर एक रास्ता अभी भी बाकी है। वेल ये कहते हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट, जिनकी सालों की कह सकते हैं कि कड़ी तपस्या से ये साबित हो गया है कि कैंसर जैसे गंभीर विषय पर, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी पर भी मात दी जा सकती है। वेल होते हैं रूबरू इसी शख्सियत से जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका कैंसर होप में। थैंक यू। दोस्तों, कैंसर एक बीमारी है और उसे एक बीमारी की तरह ही लेना चाहिए, ना कि एक खौफ की तरह। अगर बाकी बीमारियों के भी इलाज है, वैसे ही कैंसर का भी इलाज मुमकिन है। जरूरत है तो असली हिम्मत की, हौसले की और उम्मीद की। वेल ये सारी चीजें मुमकिन है अगर आप डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी टीम से संपर्क करें तो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, तुरंत कॉल कीजिए और जानिए कि कैंसर को कैसे मात दी जा सकती है। वेल इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में अमूमन तौर पर हर चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। आज टेक्नोलॉजी वाकई में इतनी बढ़ गई है कि चांद तक जाना बहुत आसान सा हो गया है जी। लेकिन फिर भी कैंसर का जो सक्सेस रेट है वो अभी भी कम है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि इसका क्या कारण हो सकता है, एंड जो रिसर्च चल रही है पूरे वर्ल्ड में, क्या वो सही दिशा में जा रही है? सेल जी देखिए, मैं आपको बताऊं बुनियादी बात कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। अगर सही डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो इसके खातिर का नतीजे आपको सामने बरामद होंगे। आज की टेक्नोलॉजी जो है, आज की जो साइंस है, पिछले साइंसेस की जैसी नहीं है, हर बार चेंज आता है आउटलुक में। आज अब तक का जो मेडिकल साइंस जो चल रहा है वो न्यूटोनियन फिजिक्स की बुनियाद पर चल रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स वो है जो सिर्फ मादा यानी मैटर को मद्देनजर रखता है और उसी के ऊपर सब कुछ चलता है। तो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है मेडिकल साइंस में भी, वो भी उसी मैटर की बुनियाद पर हुए। आज का जो नया साइंस है वो है क्वांटम फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स का कार्ड भी चर्च हो गया। जितनी भी साइंसेस है उसने सबने चेंज कर दिया अपने आप को न्यूटोनियन फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, सिवाय मेडिकल साइंस के। तो जब तक के मेडिकल साइंस अपने रवैये को चेंज नहीं करता है, अपने आप को क्वांटम फिजिक्स के आधार पर नहीं ले जाता है, तब तक कि आप कितना भी टेक्नोलॉजी यूज करो कुछ नहीं होने वाला है जी। रिसर्च भी का भी जो मामला आपने जो बताया कि क्या दिशा में है, नहीं, इसे डॉक्टर हमारे डॉक्टर बी एम हेगड़े साहब वो फरमाते हैं, वी आर बाकिंग द रॉन्ग ट्री। आप जो गलत झाड़ को आप काट रहे हो, तो इसलिए आपने आप में चेंज आना पड़ेगा। जहाँ पे यू हैव टू बाग द राइट ट्री, समझे कि नहीं? और वो बुनियाद होगी क्वांटम फिजिक्स की जी। क्वांटम फिजिक्स का जो थॉट है उसको आप अप्लाई करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो आपको अपना जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, रिसर्च मेथड डेवलप करना पड़ेगा। आप सिर्फ अभी टू लिम्ड अप्रोच पर हो कि मैंने ये दवा दिया उसका असर क्या हुआ, नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स जो बोलता है अभी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा रिसर्च में भी थ्री लिम्ड अप्रोच के ऊपर, जहाँ पर एनर्जी और माइंड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। जब तक कि आप ये रिसर्च आपका टू लिम्ड अप्रोच को न्यूटोनियन फिजिक्स की बुनियाद को छोड़कर क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद पर नहीं डालेंगे, आप थ्री लिम्ड अप्रोच नहीं अपनाएंगे, माइंड को ऐसा पैरामीटर नहीं बनाएंगे, तो ये कहीं पर भी आपको जाकर सक्सेस आगे नहीं मिलने वाला है। तो बुनियादी गलती है, बुनियादी गलती सुधारिए तो आपको
खाली कैंसर नहीं, जितने भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको फायदा दिख रहा है। डेफिनेटली डॉक्टर अनवर साहब, और आपकी ये जो आपने जागरूकता बढ़ाई है हमारे तमाम दर्शकों में, बेशक ये जागरूकता बढ़ रही है और इसका एक सबूत ये है कि हमारे जो कॉलर्स हैं उनके कॉल्स की तादाद हर दिन ब दिन समय दर समय बढ़ती ही जा रही है। तो शुरुआत करना चाहूँगी आज के पहले कॉल के साथ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी हेलो। हेलो नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, मेरा नाम अहमद खान है। जी अहमद जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी अहमद जी, अभी अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी डॉक्टर अनवर साहब की, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी जी खान साहब फरमाइए, क्या खबर है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा अभी लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जी हाँ जी, मेरा मुझे कोई ना अल्कोहल एडिक्शन है ना कोई एडिक्शन, कोई चीज का एडिक्शन नहीं है, कभी कोई बीमारी कुछ हुई नहीं, हेपेटाइटिस भी नहीं हुआ, देन टू मुझे अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो मुझे जानना था कि ऐसा कैंसर क्यों होता है और क्या कर सकते हैं ऐसी चीज के लिए। जी हाँ जी, जो हम जो शुरू से बताते आ रहे हैं कि तंबाकू, शराब, नॉन वेज डाइट, जो दीगर जो वजह बताई गई है कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से, वो कॉजेज सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो अगर आप शराब नहीं भी पी रहे हैं तो भी आपको लीवर कैंसर हो सकता है, अगर आप मांस मच्छी नहीं भी खा रहे हैं तो भी कोलोन कैंसर हो सकता है, अगर आप तंबाकू नहीं भी खा रहे हैं तो भी ओरल कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वही वजह है, दूसरी वजह है। इसके मेरे समझता हूँ जो आपका जो लीवर कैंसर का जो है, एक जो इमोशन जो लीवर कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, जो मेरे तजुर्बे में आया है और उन्होंने भी तजुर्बा किया है, वो है कहीं पर इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग मनी। कोई ऐसा मामला हुआ होगा, स्ट्रेस आपको इस डायरेक्शन में होगा कि भाई मॉनेटरी या फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, इस एतबार से मतलब इस किस्म का कैंसर डेवलप हो सकता है। मैं जानता हूँ, एक हमारे केस लीवर कैंसर के लिए हमारे पास में जो आए थे, उनका मामला ये था कि उन्होंने ज़िंदगी सब कुछ पूरा अपने बच्चों के पीछे लगा दी और बच्चे जो है कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उनका स्ट्रेस ये था पूरी ज़िंदगी भर का ये कि आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं रास्ते पर तो नहीं आ जाऊँगा। तो ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उनका था। तो शायद हो सकता है कि आपका भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से रिलेटेड होगा, जिसके हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली हो सकता है कैंसर, ये लीवर कैंसर डायरेक्टली इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करेंगे इसको, इसी चीज़ को मेटाफराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भी ताल्लुक दिखकर आएगा। तो ऐसा क्या वाक्य हुआ है वो हमको स्टडी करना पड़ेगा उसकी वजह जानने के लिए, और जब वजह जानने के बाद में जब हम इसके इलाज उन बुनियादों पर करेंगे तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपका जो इस पे लीवर कैंसर में फायदा होगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अहमद जी। दोस्तों अभी अहमद जी ने जैसे हिम्मत दिखाई, कॉल किया और डॉक्टर अनवर साहब से पूछा कि एग्जैक्टली वो कैंसर को कैसे मात दे सकते हैं, वैसा ही आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कैंसर आ चुका है या आपके परिवार जनों में या परिचित जनों में किसी को कैंसर हो चुका है, तो एक सेकंड का भी वक्त मत जाया कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी वाकई में बहुत कीमती है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। वेल इन दैट केस आपको बस एक काम करना होगा, आपके आसपास जो भी मोबाइल टेलीफोन है आपको उस पर नंबर डायल करना है और डॉक्टर अनवर साहब से संपर्क करना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, दरख्वास्त है कि आप वाकई में अभी के अभी कॉल कीजिए ताकि डॉक्टर अनवर साहब आपकी जो तकलीफ है उसे दूर कर सके। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। वेल एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जस्ट इन केस अगर हमारा नंबर बिजी है, क्योंकि बहुत कॉलर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इस शो के दौरान या इस शो के बाद भी आप डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सो वक्त जाया मत कीजिए। वेल डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक बहुत नॉर्मली कहा जाता है कि किसी का कोई स्वभाव होता है या किसी की कोई आदत होती है तो कहते हैं कि पिताजी में है तो बच्चे में आ गई, तो ये बात को लोग और आगे लेके जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो इसे कैंसर हुआ है, या कोई भी बीमारी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि अगर पिताजी में या माताजी में है तो बच्चों में भी आएगी, या पूर्वज में किसी में होगी तो बच्चों में आएगी, जिसे हम हेरिडिटरी कह सकते हैं। तो दूसरा एक और उसका पहलू होता है जेनेटिक, कि जेनेटिकली भी वंशज के थ्रू आपके बच्चों में आ सकती है। तो कैंसर क्या कोई ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटरी वाइज या जेनेटिकली ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? देखिए जेनेटिक्स जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है
कैंसर्स में, क्योंकि कैंसर्स में ये होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन आता है, जीन्स में म्यूटेशन आता है, लेकिन वो म्यूटेशन आगे कैरी होके बीमारी पैदा करे फैमिली के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। अगर मखसूस माहौल मिलेगा ऐसे म्यूटेशन वाले बच्चे को, आगे जाके मखसूस माहौल मिलेगा तो उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन आना इस बात की जमानत नहीं कि उसको कैंसर होगा। ऑल्दो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वी कैन नॉट रूल दैट आउट, लेकिन ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हेरिडिटरी से चाहता है कैंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूँ कि मेरे फैमिली में भी कैंसर की हिस्ट्री है जी। मेरी दादी अम्मी को कैंसर था, उससे उनके इंतकाल हुआ। मेरे और चाचा लोग जितने उनको, मेरे वालिद साहब को भी ये शक था, टेंशन चेक करने के लिए वो इसलिए गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे भी ये खौफ आया, लेकिन अब मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे बहुत हद तक मेरा खौफ निकल गया है कि मतलब कि मुझे कैंसर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। होना है, हो सकता है, अगर मुझे माहौल मिला, कॉन्फ्लिक्ट अगर आई तो आ सकता है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमको, मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपने आप का जो पैराडाइम शिफ्ट लेके आया, मैंने जो अपने आप की जो थिंकिंग थी उसको चेंज किया। बहुत अग्रेसिव मेरा बिहेवियर था पहले, बहुत चिड़चिड़ा गुस्से वाला था, मैंने अपने आप को चेंज किया, अडेप्ट किया, तो ये अडेप्टेबिलिटी काम आएगी। बेशक डॉक्टर अनवर साहब, इस बात को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन फिर से एक बार ढेर सारे कॉलर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो लेते हैं आज का अगला कॉल जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, हमारा नाम आसमा है और हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। आसमा जी, अभी अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब की होगी, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी जी, आसमा जी फरमाइए। जी सर, हमारी आंटी है जिनको पेट का कैंसर हो गया था जी, तो उनका ऑपरेशन हो गया है और 5 बार उनको केमो भी दे चुके हैं। हाँ, तो हाँ। क्या हम उसमें होम्योपैथिक इलाज करा सकते हैं, तो क्या उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल करा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमारी आंटी डरती हैं कि कहीं ये करने से कहीं कुछ दूसरा और बढ़ ना जाए। हमारी जो दवाई, हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल नेचुरल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मैं आपको आश्वासन पूरा पूरा दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी बहुत डाउन करती है, दूसरे कैंसर डेवलप हो सकते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ये रिसर्च में आया हुआ है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लेकिन हमारी दवाइयों से ऐसा कुछ चांसेस नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। तो आप कीमोथेरेपी के साथ भी करवा सकते हैं और कीमोथेरेपी के बगैर करवाएंगे तो नथिंग लाइक इट। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच आसमा जी। जी शुक्रिया। वेल, इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। मेरे मन में ये स्पेशली बचपन से है कि जब कोई बीमार होता है तो क्या हम उसके आसपास अगर रहे तो क्या हमें भी वो बीमारी लग सकती है? अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसकी सेवा हम करते हैं या उसके साथ हम ऑलमोस्ट 24 घंटा हम रहते हैं, तो क्या मुमकिन है कि कैंसर भी कंटेजियस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरे नज़र में बिल्कुल नहीं है। देखिए, दो टाइप के कैंसर्स है जी, जिसको इन्फेक्शन से जोड़ा गया है और वो इन्फेक्शन बताइए। एक तो जी, आपका जो हेपेटाइटिस बी, ये जो वायरस है जी, वो जो कैंसर पैदा करता है ऐसे कन्वेंशनल मेडिसिन में है और वो फैल सकता है सेक्स के जरिए। एक तो ये कैंसर हो गया। दूसरा जो सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो वो HPV वायरस से ताल्लुक रखता है, ऐसे कन्वेंशनल मेडिसिन कहती है, और वो उसका इन्फेक्शन फैल के मतलब की हो सकता है। बाकी और कोई किस्म के कैंसर जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये दो कैंसर भी, जब तक कि वो माहौल नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। जो माइंड का जो माहौल मैंने बताया, तब तक का सिर्फ इन्फेक्शन से या सेक्स के जरिए से नहीं होगा जी। और बाकी जो कैंसर है वो भी बिल्कुल, जो कैंसर जो फैमिली में है, जो लोग कैंसर के मरीजों की सेवा करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बल्कि जो आपकी जो सेवा का जो भावना है वो आपको पॉजिटिव फीलिंग देगी, ना कि मतलब कैंसर आपको इफेक्ट करेगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन ये माइंड अगर आपका जो है शांत है तो माइंड के अंदर जो है अगर कुछ चीज़ विचलित करती है तो वो बनेगा सबब, ना कि इन्फेक्शन या फैलने वाली मामला। डॉक्टर अनवर साहब, मुझे एक बात की बहुत खुशी होती है कि जो जागरूकता आपने दर्शकों में बढ़ाई है कैंसर के प्रति, ये वाकई में बहुत ही क्लियर तरीके से विजिबल है, क्योंकि जो कॉलर्स के कॉल आना है और ईमेल्स आना है वो दिन ब दिन बस बढ़ते ही जा रहा है। तो अच्छा लगता है देख के कि लोगों की जो वो अवेयरनेस है
वो बढ़ते जा रही है। वेल, इसी नोट पर मैं अपना एक ईमेल आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जो हमें भेजा है सिमरन ने आपके लिए। ये जलंधर से है और इनकी एज है 27 साल। इनका कहना है कि मेरे हस्बैंड को टबैको की वजह से माउथ कैंसर हुआ है, अर्ली स्टेज पे है और ट्रीटमेंट चल रही है। इसके लिए हम आपसे मदद चाहते हैं और मैं 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। क्या मेरे बच्चे को भी इस कैंसर की वजह से कोई रिस्क है? सिमरन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके हस्बैंड को जो कैंसर हुआ है वो तंबाकू खाने की वजह से नहीं हुआ। एक बात, कुछ ऐसी बात चल रही है उनके जहन में या ये शुरू होने के पहले चल रहा था जो उसको उगल भी नहीं सके और निकल भी नहीं सके। ये बात, ये शशुपंज में जो थे, ये जो बीमारी पैदा होने के 6 महीने से 1 साल के दरमियान में कुछ ऐसा मामला उनके साथ में हुआ है जो शायद वो अभी उनको याद नहीं है, लेकिन अगर जहन पे जोर डालेंगे तो वो वाक्या आपको सामने दिक्कत आएगा कि क्या हुआ था। दूसरा जो आपका जो प्रश्न है कि भाई अगर मैं प्रेग्नेंट अगर हूँ तो क्या वो उससे फैल सकता है, अगर आपके जहन के अंदर ऐसा कोई मामला आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो उसके वजह से शायद हो सकता है, शायद मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, कि आपके बच्चे को जो है माँ के पेट में इंट्रायूटराइन तौर पर हो। क्योंकि अगर माँ अगर मेंटली अगर कंपैशनेट नहीं है, माइंड में सुकून नहीं है, तो उसका असर बच्चे पे पक्का होता है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ये मालूम है, ये इंट्रायूटराइन लाइफ की जो असरात जो होते हैं बच्चे पे होता है। लेकिन अगर वो आपके मन में ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कैंसर से रिलेटेड हो, तो वही अगर उसको असर करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के अंदर आप मेंटली आप शांत हैं, साउंड है, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, तो इससे आपके बच्चे के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली डॉक्टर अनवर साहब, थैंक यू सो मच। आज वाकई में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी है और आप जब कोई चीज़ हमें बताते हैं तो ये सारी अवेयरनेस के साथ जो नॉलेज और पॉजिटिविटी आप देते हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहल जी, थैंक यू व्यूवर्स। मैं इस बात की मुझे खुशी महसूस होती कि जो अपने तजुर्बात हैं मैं आपके साथ में शेयर करूं और एक अवेयरनेस पैदा करूं सोसाइटी में, यही मेरा मकसद है प्रोग्राम का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में ही मैंने आप सभी से कहा था कि शो में आपको मिलेगी ढेर सारी उम्मीद, नॉलेज, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें खरी उतरी है, क्योंकि डॉक्टर अनवर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई है जिससे आप कैंसर को मात दे सकते हैं। वेल, इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि कैंसर जैसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ बीमारियों को हम छोटा मानते हैं तो कुछ बीमारियों को बहुत बड़ा, लेकिन बीमारी तो बीमारी ही होती है ना, हर बीमारी का एक इलाज होता है। वेल, ये बातें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे इन बीमारियों से हम आज़ाद हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी पूरी टीम से कभी भी, इनफैक्ट शो के दौरान या शो के बाद भी। ये रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर्स क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। चाहती हूं आप सभी से इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है कैंसर होप, क्योंकि उम्मीद है तो कैंसर को जड़ से मिटाया जा सकता है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।